का पर्व सभी 10 डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन कुछ कोविड के कारण और कुछ बरसात के कारण जिस तरह से इस तरह पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे बहुत सारी जैसे दक्षिण जैसी जगह में बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और भी राज्य के अलग अलग भागों में नंबर और बहुत नुकसान हुआ। उस कारण से मैं जा नहीं पाया जगह, लेकिन जो हमारी 37 विधानसभाएं हैं, 37 विधानसभाओं में डेलीगेशन आए, किसी किसी विधानसभा से 4-5 110 के करीब में डेलीगेशन से केंद्र में मिला और हर रोज 14-16 घंटे हर दिन डेलीगेशन से बात हुई। इसी कारण आप हमसे बात नहीं हुई, रात के 12:30 से पहले कोई भी मीटिंग खत्म नहीं हुई और उन लोगों का मेला बुलाने का एक ही मकसद था। एक तो कोविड के बारे में उनका क्या नुकसान हुआ, उनके इलाके में क्या नुकसान हुआ, उनकी सुविधाएं कैसी हैं, हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसी हैं, दवाइयों की सुविधाएं कैसी हैं, डॉक्टरों की सुविधाएं कैसी हैं, सड़कों की हालत क्या है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, बेकारी और बेरोजगारी की हालत क्या है, डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। तो इस बारे में ये 3 दिन में मैं कह सकता हूँ कि बहुत फीडबैक अच्छा मिला पूरे जम्मू प्रोविंस के 37 विधान सभाओं से। बहुत सारी चीज़ों की तरफ उन्हें ध्यान दिलाने की जरूरत की है, उससे कहा है कि मीडिया से बात करें। एक तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि आज MLA कोई है नहीं, विधानसभा भंग है, आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी लोकतंत्र में कि उसके हाउस इन ऑर्डर नहीं है सर। दो हाउस तो कहीं नहीं है, वो तो बीजेपी का भी ऑर्डर में नहीं होता है। आपके अगेंस्ट हमारे था आपका G23 के ग्रुप का, ठीक है, वो पार्टी को स्वतंत्र करने की थी, वो कोई डिवीजन नहीं था, वो परसेप्शन था। हम कहते हैं जल्दी जल्दी इलेक्शन करो, इलेक्शन में नए चुन के आते हैं, बट दिस नो डिवीजन। लेकिन ये ठीक है, आपका कहना है अच्छा, ये ठीक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी कोई कमजोरियां रही और उन कमजोरियों को ठीक कर रहे हैं। ये तो ये स्टेप जब स्टेप लेते हैं तो उससे थोड़ा तो थोड़ी बहुत के लिए डिसिप्लाइज होता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो ठीक होता है। आई थिंक वी आर गोइंग टू सॉर्ट आउट, यहाँ का सॉर्ट आउट हो गया पंजाब का चैलेंज कैसे देख रहे हैं सर? कौन जीता है किसको मालूम है 24 तक क्या होगा, या हमें मालूम नहीं था कि ये कोविड आ जाएगा और जो हमारे पिछले साल हजारों कितने लाखों लोग हमसे चले गए। तो 24 तो अभी 3 साल है, 3 साल हम पूरा प्रयास करेंगे अपनी पार्टी को सक्षम करने के लिए, मजबूत करने के लिए। पंजाब हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी दोबारा। अरे सारी पूरी यूटी इग्नोर है, जिला बना दिया जाए। वो जिला मैं ऐसी कमिटमेंट नहीं करता हूँ कि, लेकिन इग्नोर सब स्टेट यूटी है। आप बताइए, नोटिस नहीं लिया जाए? क्या लगता है कांग्रेस मतलब रहा, वो भी कई महीनों के कई सालों से आई नहीं थी। पहले हमारी पार्टी रहती थी, मैं ही उसका अरेंजमेंट करता था, मिसेस गांधी प्रेजाइड करती थी, लेकिन इधर 2 सालों से जब से कोविड हुआ तो वो मीटिंग नहीं हो पाई और मिलना मिलाना नहीं हो पाया। अब वो आई तो सबसे मिली और जीत के आई हुई थी तो मिली। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि अभी कोई ऐसा फ्रंट बनाने की कोई शुरुआत हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी खूबी है, क्वालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? चलिए आगे वाला भाई सर, पहली बात है, 170 घटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर पार्टी मीटिंग बुलाई, आप इसमें गए, उस मीटिंग के बाद क्या बदला? उसके बाद सिर्फ इतना बदला कि ये बड़े अरसे से, एक डेढ़ साल से कमीशन बनाया गया था, लेकिन कमीशन वो निकला नहीं घर से बाहर। उसके बाद तुरंत कमीशन कश्मीर भी गया, जम्मू भी गया, हर जगह गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, तो उसका मतलब है जो गति है उसकी तेज हुई। वो नहीं हो रहे, आप इन दोहरी चीज, दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? दो चीज़ें तरह की डेवलपमेंट होती है। मैं अपने 40-42 साल के मंत्रिमंडल में रहने हुए, एक डेवलपमेंट होती है प्रपोजल बनाया, प्रपोजल बनाया, और दूसरी डेवलपमेंट होती है वो बन गया। दोनों में फर्क है, हमारे वक्त में बन गया होता था, आज प्रपोजल कागज पर है, तो इसलिए कागज वाले को आप अनाउंस करते जाओ, तो ये सब प्रपोजल डेवलपमेंट पेपर है, सड़क जमीन पे नहीं, इतना अंतर है आज और तब। लीड करने का सवाल क्या है आपका? जब भी इलेक्शन होते हैं, मैं 40 साल से कंपेयर करता हूँ, यहाँ देश भर भी करता हूँ, और ये होम स्टेट है, यहाँ तो करना ही करना है, क्यों नहीं कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेगा। लेकिन ये जरूरी है, ये अनिवार्य है कि पिछले 4 साल से एक बहुत बुरे फेज से स्टेट निकली, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। कश्मीर में टूरिज्म खत्म हो गया, कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स का काम खत्म हो गया, कश्मीर में फ्रूट का काम खत्म हो गया, जम्मू में इंडस्ट्रीज जो थी कठुआ सांबा में 75% बंद हो गई है। ये मैं पार्लियामेंट में रिकॉर्ड यहाँ से लेकर रख दिया हूँ, जब अभी फरवरी मेरी जब टर्म खत्म होने थी उस सेशन में, और ये सब कश्मीर को कैटर करते थे। कश्मीर बंद हो गया तो उनकी जो सप्लाई देने वाले थे इंडस्ट्री वो बंद हो गई, जिससे लाखों अनएम्प्लॉयड यहाँ हो गए, और 7,500 इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उनमें अगर हजार कुछ सौ सौ भी होंगे तो 4-5 भी तो थाउजेंड्स। यहाँ का दुकानदार खत्म हो गया, यहाँ पर पर्यटन, यहाँ का भी पर्यटन खत्म हो गया। तो और जो डेवलपमेंटल वर्क होता था वो हमेशा, वो कश्मीर में हो, जम्मू में हो, रूरल एरियाज में हो, सड़कें हो, दूसरे हो, ये चीज़ें कहीं नहीं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ऊपर से कोल्ड की वजह से और मुसीबत आ गई। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई दूसरा विवाद खड़ा हो जाए, कुछ पार्टियां कहेंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट देंगे, कुछ लड़ेंगे हम लड़ेंगे, तो एक अलग फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अगर ये इतना टाइम 4-5 साल हमने वेस्ट किया है, अब हमको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉट फॉर पोलिटिकल पार्टीज, लोगों के। फिर एक तूफान मच जाएगा, कोई कहेगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा यूटी में, कोई कहेगा मैं तभी इलेक्शन लड़ूंगा, तो एक विवाद तो खड़ा हो जाएगा, फिर एक मुसीबत में, एक मुसीबत से निकलेंगे, दूसरी में तीसरी में, हमको वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस। और उसका सिंपल है कि आप स्टेट बाद में दे दो, पहले दे दो, और अच्छे माहौल में आप स्टेट वोट दे दोगे इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले 4 गुना आपकी ज़्यादा ये वोटिंग होगी, पार्टिसिपेशन होगी। तो किसी भी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट चीज़ है कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है। तो लोगों की मैं ये कह सकता हूँ कि यूटी में 1/4 पार्टिसिपेशन हो सकती, 1/10 भी हो सकती, और स्टेटहुड पहले दें, अनाउंस करें, और फिर इलेक्शन हो तो 10 गुना ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन होगी, और वो पार्टिसिपेशन स्टेट के लिए भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी होगी, हिंदुस्तान के नाम के लिए भी अच्छी होगी, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी होगी।
हमने कब कहा है कि हम ही सबके दुनिया के नेता हैं? कांग्रेस पार्टी थी कभी तो नहीं, इसीलिए तो ऑल पार्टी मीटिंग होती थी, और ऑल पार्टी में कोई कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं किया कि यही हमारा सबसे रिप्रेजेंटेटिव है। सर आपका नाम कुछ चल रहा है, वर्किंग प्रेसिडेंट आ रहे हैं कांग्रेस में, बहुत साल हो गए हमें काम करते, वर्किंग प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी उमर भर इसीलिए हो गए। सर अपर हाउस आपका इंतजार कर रहा है, क्या हम फिर से देख सकते हैं अपर हाउस? किसी का इंतजार नहीं कर रहा, अपर हाउस और लोअर हाउस ने कई कई महायोद्धा देखे जम्मू कश्मीर की वॉइस हम उठाते थे, फोर्सफुली उठाते थे, राज्यसभा में वो नहीं उठेगी। आजाद साहब